Papá, quedó. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, नए दिन के नए शुरुआत के साथ मैंने आज के लिए ब्लॉग शुरू कर लिया। तो जैसे आप देख सकते हैं कि आज मैं आया हूँ आपके लिए नए गांव की ओर, जिसका नाम है कपसुली अजयखर। तो लगभग मैंने आपको करीबन पिछले महीने 29 तारीख से और इस महीने कल तक जो 8 तारीख थे, 8-9 तारीख तक, तो मैंने आपको सारे बरात की ही वीडियो दिखाई थी और आपने पूरा वीडियो इन्जॉय किया होगा। तो एक वीडियो और आएगा कल और उसके बाद आपके लिए लगातार गांव की वीडियो आएंगे। तो वीडियो में बने रहें, बिल्कुल भी सीमित करना वीडियो को। तो चलिए हम इसे के चलेंगे आपको गांव की ओर। तो वीडियो में बने रहें। तो ये देखिए, अभी यहाँ पे मेन रोड है, हावी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उतनी गाड़ी चलती है नहीं। तो ऊपर राजा हरिजी का मंदिर भी है, मैंने आपको दिखाया भी था उसको, तो वो मंदिर भी आपने देखा हो जरूर। तो नहीं देखा तो देख सकते हैं वीडियो में। तो चलिए आप चलते हैं नीचे गाँव की ओर। तो दगड़ियो, आप जानो मूड गोमा हुए, तो तुमको आज गोमा ली बजानू मैं। दगड़ियो, मैं तुमको गाँव वीडियो दिखाई, करीबन 30 गोमल कवर कर ली और दगड़ियो मैं 30 गाँव कवर कर ली। और आज मैं फिर आपको एक नई गाँव में लीबा आगू, जहाँ नाम था अजयखर, जहाँ कहीं कैप्सूल। तो चलो आज लेके चलेंगे नीचे आपको गाँव की ओर। तो आप भी वीडियो में बने रहें, बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को। तो बहुत ही सुंदर गाँव है, चलिए नीचे चलते हैं और यहाँ पर कुछ नए नए चीज़ देखने को मिलेंगे, तो आपको भी दिखाऊँगा। यहाँ की जो समस्याएँ हैं वो भी आपको दिखाऊँगा। यहाँ देख सकते हैं कि चीड़ के पेड़ है चारों तरफ और उसके बीच में घिरा हुआ पूरा जंगल जैसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए जंगल कितना प्यारा जंगल है और यहाँ पे ज़्यादातर जंगली जानवर का आतंक ज़्यादा होता है। यहाँ पे तेंदुआ हो गया, बाघ हो गया और उसके बाद शेर हो गया, इसे बब्बर शेर बोलते हैं, वो तक यहाँ देखने को मिलते हैं और कई बार यहाँ लोगों ने देखे भी हैं। तो चले नीचे चलते हैं गाँव की ओर, तब तक वीडियो बने रहे, ठीक है? तो तगड़े तुम्हारे में एक बात शेयर करना चाहूँगा वहाँ पर, कि मैं आपसे कुछ लोगों ने ये बोला कि भाई साहब आप अकेले क्यों जाते हो, आप अकेले अकेले वीडियो शूट क्यों करते हो, कोई साथ में नहीं है क्या आपके साथ? तो दगड़ियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ कोई साथ में है नहीं, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आपको ये चीज़ बताऊँगा कि मैं 2-3 बार लेके आया था साथ में अपना। तो कुछ लोगों ने क्या बोल दिया कि जो मेरे दोस्त मेरे साथ आए थे, उन्होंने ये बोल दिया मुझे कि भाई यार मेरे पैर में दर्द हो रहा है, ये है, इतना चल नहीं सकता हूँ, ये है वो है। कि दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको इसी बताऊंगा कि मैं लगभग जितने भी गांव में जा रहा हूँ, सारे गांव पैदल चल के जा रहा हूँ और करीबन एक एक दिन में 15-15, 10-10 किलोमीटर पैदल चल के जा रहा हूँ मैं, और आपके लिए वहाँ से वीडियो लेके आ रहा हूँ और आपका इस रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला, इसी वजह से मैं और भी वीडियो लेके आ रहा हूँ। और जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा उतना अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको कि उत्तराखंड के गांव कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं और यहाँ के जो पलायन है क्यों हो रहे हैं और यहाँ असुविधा क्यों है गांव में। तो ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहें। तो दगड़ियो देखो, ये कदू सुंदर से व्यू आमू, देखो हाँ प्यारा सा व्यू आमू, दिखा दूँ जूम को, ये देखो इधर जो जंगल एरिया ना पूरा, यहीं पे बाघ रहता है, तो यहीं से बाघ आता है बार बार इधर गांव में। तो इधर देखिए, इधर सुंदर सा व्यू आ रहा है, बहुत ही प्यारा सा व्यू देखिए। तो नीचे है गांव कपसुली गांव और इधर देखिए ये है बौड़ गांव, इधर इस साइड बौड़ गांव है। तो भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, उस गाँव को भी लिखाऊँ जरूर लेके आऊँगा। तो अभी देख सकते हैं आप कपसुली गाँव में जो रोड आ रखी है वो ऐसी आ रखी है, अभी नॉर्मली कट रखी है रोड जिप मार के लिए, तो मतलब जो जीप आ सके यहाँ पे, बाइक आ सके, छोटी मोटी आ सके इधर, तो इसलिए कट रखी यहाँ पे। तो चले नीचे चलते हैं गांव की ओर, तो वीडियो बने रहे हैं। इसे अजयखर बोलते हैं लेकिन गांव का नाम है कपसुली। तो यहाँ पहुँच चुका हूँ और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के घर और यहाँ के लोगों का समस्या दिखाऊंगा थोड़ा। तो ये देखिए कितना प्यारा सा घर बनने के यहाँ पे, और अभी सबसे ऊपर वाले घर पर पहुँच चुका हूँ मैं। और इधर देखिए, अब आगे चलेंगे नीचे, इधर चलेंगे नीचे, दिखाएंगे आपको सारे घर दिखाएंगे। और यहीं पे मेरी दीदी का ससुराल भी है, बड़ी दीदी का, तो सबसे बड़ी दीदी जो है मेरी, उसके ससुराल यहीं पे है। देखिए आप, यहाँ पे सुंदर सुंदर से घर दिखने शुरू हो चुके हैं, ये देखिए इधर सुंदर से घर लग रहा है यहाँ पे। और नीचे चलते हैं और तुमको दिखाने थी घर में जरा, और जो लेंटरा कोड दिखा मुझे दिया मेरी दीदी छा। तो चलो मूडी चलो पे दिखाऊँ तुमको, आगे मैं दिखाऊँ जरा घर कस्सा और इतिक जो घर छी या गौक वोला दिखाऊँ तुमको। तो चलिए वीडियो बने रहे, यह देखो, चलो इधर शुरू करना। ये देखिए यहाँ बहुत ही प्यारा सा घर, यहाँ पे मैं दीदी के घर के पास पहुँच चुका हूँ, उधर ही पास में दीदी का घर है और इधर ससुर जी का घर है ये वाला, और सब ससुर लगते हैं यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे भैंस प्यार करेंगे, और इधर पहुँच चुका हूँ मैं, इधर दिखाऊँगा दीदी का घर, इधर है ये वाला, ये वाला इधर, ये है दीदी का घर। और इधर
उनके जेठ जी का घर इधर है और उधर नीचे दिखाऊंगा आपको। और यहाँ ज़्यादा घर तो है नहीं, कैप्सुली गांव बहुत ही कम ही घर है यहाँ पे, 7-8 से इतना ही है, ज़्यादा नहीं है इधर। तो इधर देखिए ये खेती बाड़ी करके यहाँ पे इन्होंने पॉली हाउस लगा रखे नीचे, और इधर देखिए प्याज लहसुन लहसुन इधर खेती कर रखे लोगों ने, और इधर देखिए बहुत ही प्यासा घर, और उधर देखिए आसमान पर कितना सुंदर सब बादल लग रहे हैं, देखिए कैसे फैल रखे इधर। तो चलिए आपको पहले यहाँ पे थोड़ा घर दिखा देंगे। यहाँ से दिखाता हूँ आपको मैं पूरा, यहाँ पे जो व्यू दिख रहा है बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है यहाँ पे, देखिए आप बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से। और उस साइड तो दिख रहा है आपको ना, उस साइड वो अपना ही सल्ट है, उधर मेरा घर उधर ही है मेरा गांव, और इधर आया हूँ मैं अभी, ये तल्ला सल्ट मार रखा हूँ। तो नीचे नदी भी है, दिखाऊँगा आपको यहाँ पर जूम करके थोड़ा, ये दिख रहा है ना आपको नदी है यहाँ पे। और इधर से आया अभी मैं बड़ेद गाँव से, तो थोड़ी देर में उधर जाऊँगा वापस अभी। तो कल से फिर नए गाँव की शुरुआत करेंगे, तो अभी आप इस गांव को देख लीजिए कितना सुंदर सा गांव है। चलते इधर भी एक, यहाँ पे देखो गाय भैंस मिल गई, इधर इधर चलते हैं उजी भाई, ये प्यारा सा घर देखिए यहाँ पे। इधर है हमारा जू घर, अच्छा कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से व्यू देखिए, आम के पेड़ इतने प्यारे लग रहे हैं, और ये है यहाँ का सुंदर सा नज़ारा। दीदी कुकुर सेट रही थी, कैप्सुली गांव का पनेरा जो है ना वो ये है, देखिए ये यहाँ का पनेरा। तो अब आपको लेके चलेंगे नीचे वहाँ गांव की ओर, तो थोड़ा वहाँ पे फार्म भी बना रखा है, वहाँ पे अदरक का फार्म बना रखा है, तो आपको वो भी दिखाऊंगा मैं, तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों वहाँ पे कुछ दिख रहा है वहाँ बाहर, वहाँ भाग दोस्तों, वहाँ भाग दोस्तों, वहाँ भाग दिया मुझे, आपने देखा नहीं देखा, लेकिन वहाँ पे बाघ था, मैंने आपको बोला भी था। गांव में बाघ का आतंक बहुत है, मैंने भी देख लिया वहाँ पे, दोस्तों अभी थोड़ी देर में वीडियो शूट करते हैं। दोस्तों ये होता है अकेले अकेले जाना, कैसे होता है जंगल का रास्ता है, मैंने पहले भी बोला था कि इस सल्ट में मैं जिधर मैं गया हूँ वहाँ पे बाघ का आतंक ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, जल्दी आगे निकलता हूँ, और आगे जाने के बाद आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो पूरा, तो वीडियो बने रहे। वहाँ जाता हूँ नीचे, वहाँ गाँव है, तो वहाँ से फिर आगे बनाऊँगा वीडियो शूट करूँगा। यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे ने खेती कर रखी है, यहाँ से लेकर वहाँ तक नीचे, और यहाँ पर उन्होंने पानी की व्यवस्था भी कर रखी है ताकि पानी की सुविधा पूरी मिल सके खेत को। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ टैंक भी बना रखा है ऊपर, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे। देखिए ऐसा कार्य अभी तक अपना गाँव में नौजवान है जिन्होंने यह कार्य कर रखा है, अभी नौजवान ही है तो उन्होंने यहाँ पे कार्य कर रखा, बहुत ही अच्छा कार्य, बंजर खेती को उजागर बना दिया। यहाँ देखिए ऊपर बंजर खेत है, ऐसी बंजर खेत थे पूरे यहाँ पे जो आपको दिख रहे अभी, ये सारे बंजर खेत के, इसी में उन्होंने यहाँ पे अनाज उगाकर, अनाज क्या मतलब ये अदरक
हल्दी हो गए ज़्यादा सप्लाई करते हैं यहाँ से, बहुत ही कुंटलों के कुंटलों कुंटलों में यहाँ से अदरक की खेती करते हैं और उसको सप्लाई करते हैं बाहर, और बहुत ही अच्छा कार्य है, ऐसा कार्य बहुत कम ही देखने को मिलता है। अभी देख सकते हैं कि हमारे गांव के जो लोग हैं वो खुद के लिए स्वरोजगार करने से अच्छा वो सोचते हैं कि हम दिल्ली जाएंगे वहाँ जॉब करेंगे और 10-12 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार कमाएंगे। लेकिन सबसे आपको पहली बात बताऊँ कि अपने उत्तराखंड में खुद का स्वरोजगार कीजिए, ताकि उत्तराखंड में आप स्वरोजगार करते हो तो आपके जरिए 5-10 लोगों को और यहाँ पे रोज़गार मिल सकता है। जैसे इन भरत जी ने कर रखा है यहाँ पे, तो अभी तो यहाँ पे है नहीं हो, कहीं गए हैं तो उनसे बात कराता, लेकिन अभी यहाँ पे है नहीं हो, लेकिन उनने भी अच्छा कार्य कर रखा है यहाँ पे। जो आपको यहाँ पे खेती दिख रही है ना, तो इनके द्वारा गांव में कई औरतों को यहाँ पे रोज़गार मिल रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे देखभाल करते हैं, यहाँ पे पानी देते हैं खेत, मतलब जो यहाँ पे लगा रखे हैं उसको पानी देना सब ये गांव के औरतों का काम है। तो बहुत ही अच्छा कार्य है, ऐसा कार्य बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो में बने रहें, बिल्कुल भी मत करना वीडियो को, तो आगे लेके चलेंगे आपको गाँव की ओर। तो चलिए तो घूमते घूमते इधर पहुंच चुका हूँ, इधर थोड़ा आगे भी 2-4 घर रह गए हैं, और आज मैंने आपको कैप्सुली गांव भी कवर करके दिखा दिया। और सर कैप्सुली गांव था ये, अज्जाखर बोलते हैं वैसे इसको, और लेकिन नाम है कैप्सुली। तो इधर देखिए, इधर भी 2-4 घर रह गए हैं और एक घर नीचे भी है, तो चलो दिखाएंगे आपको, वीडियो बने रहें। यार देखो 3 आम मिल गई दिया कैप्सूल गांव में, और आप इतनी की वीडियो बना हाल में आप जानो घर हो, तो ठीक है पामा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो दगड़ियो एक घर यार, तो फाइनली मल इतनी घर पूरा सूट कहाँ ले गांव दिखा मल तुमको, और थोड़ा देर पहले मल तुमको एक हासरा दिखा पता जो हमे दगड़ अल्लाह मल एकदम से मतलब उदी बागा हलचल देखी, बागा आवाज़ सुनी, तो बोला मल तुमको दिखा। तो चलो ठीक छपा, आप ये तो बहुत अगो, और आप मिले तुमको नए वीडियो में नए गाँव की, और तब तक के लिए बाय, ठीक छू।